दोस्तों ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल शिवजी एस्ट्रोलॉजी में। जन्माष्टमी के दिन ये चीज ले आना, हो जाओगे माला माल, आगे आपकी मर्जी। दोस्तों सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्षी अष्टमी तिथि को हुआ था। इस शुभ तिथि को भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है और इसे जन्म अष्टमी कहा जाता है। जन्माष्टमी भारत के हर कोने कोने में बड़े उत्सव के साथ मनाते हैं। इस पर्व को विदेशों में रहने वाले नागरिक बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। दोस्तों मान्यता है कि इस दिन पूरे श्रद्धा भाव से पूजा व्रत करने से भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। और वहीं अगर जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा अगर कमजोर होता है तो उनके लिए ये व्रत बहुत ही शुभ और फायदेमंद होता है। सनातन धर्म से ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व काफी महत्व होता है। संतान प्राप्ति के लिए जन्माष्टमी का व्रत रखना बहुत ही उत्तम और शुभ मंगलकारी माना जाता है। माना जाता है कि जो भी स्त्री जन्माष्टमी के दिन भगवान लड्डू गोपाल को झूला झुलाती है तो उसके शीघ्र विवाह के योग बन जाते हैं और उसको संतान में विलम्ब नहीं होता। दोस्तों जन्माष्टमी की पूजा मध्य रात में की जाती है, इसलिए इस साल भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव 6 सितंबर 2023 बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का 5250वां जन्म उत्सव मनाया जाएगा। दोस्तों जन्माष्टमी 2023 पूजा का शुभ मुहूर्त 6 सितंबर 2023 दिन बुधवार को रात्रि 12:02 से रात्रि 12:48 के बीच जन्माष्टमी की पूजा की जाएगी, यानी कि टोटल 46 का शुभ मुहूर्त रहेगा। आपको बता दें कि कान्हा का जन्म रोहिणी नक्षत्र मध्य रात्रि में हुआ था। 6 सितंबर को रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत सुबह 9:20 से हो रही है और अगले दिन 7 सितंबर को सुबह 10:25 पर इसका समापन हो जाएगा। वहीं जन्माष्टमी व्रत का पारण 7 सितंबर को सुबह 6:02 या फिर शाम 4:14 के बीच किया जाएगा। दोस्तों वैष्णव संप्रदाय के लिए जन्माष्टमी की तिथि, आपको बता दें कि गृहस्थ और वैष्णव संप्रदाय के लोग अलग अलग दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। ऐसे में 6 सितंबर 2023 को गृहस्थ जीवन वाले लोग और 7 सितंबर 2023 को वैष्णव संप्रदाय के लोग कान्हा का जन्म उत्सव मना सकते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्ण राधे राधे। दोस्तों जन्माष्टमी व्रत से पहले रात को हल्का भोजन करना चाहिए और अगले दिन पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उपवास के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से स्वच्छ होकर साफ वस्त्र पहनना चाहिए। उसके पश्चात भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके पश्चात भगवान कृष्ण को माखन मिश्री और नारियल की बनी मिठाई का भोग लगाएं। दोस्तों रात्रि 12 भगवान लड्डू गोपाल का जन्म होगा, इसके बाद उनका पंचामृत से अभिषेक करें, उनको नए वस्त्र पहनाएं और उनको अच्छे से श्रृंगार कर भगवान को चंदन से तिलक करें और उनके भोग में तुलसी पत्ता अवश्य मिलाएं। भगवान कृष्ण की पूजा में जब तक तुलसी का पत्ता शामिल ना हो तब तक व्रत हमेशा अधूरा ही रहता है। इसके बगैर आप भगवान कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकते। तुलसी के बगैर जन्माष्टमी का पर्व भी हमेशा अधूरा ही रहता है। दोस्तों नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की कहकर भगवान लड्डू गोपाल को झूला झुलाएं। इसके पश्चात भगवान कृष्ण की शुद्ध देसी घी के दीपक और धूप पत्ती से आरती करें। दोस्तों जन्माष्टमी की पूजा में भगवान का श्रृंगार भी बहुत अहम माना जाता है। आज हम आपको ऐसी कुछ विशेष वस्तुओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो भगवान लड्डू गोपाल को अतिप्रिय है। अगर आप भी भगवान कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं तो जन्माष्टमी आने से पहले ही इन वस्तुओं को अपने घर पर अवश्य लेकर आएं। अगर आप इन वस्तुओं को घर में नहीं ला सकते तो कम से कम आप इनमें से कोई एक वस्तु घर में अवश्य लेकर आएं और भगवान श्री कृष्ण को ये वस्तुएं अवश्य अर्पित करें। दोस्तों नंबर 1 भगवान लड्डू गोपाल की अतिप्रिय वस्तु है मोर पंख। कहा जाता है कि राधा रानी के महल में बहुत मोर हुआ करते थे। जब वो भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी के धुन पर नृत्य करते थे तो उनके साथ वो मोर भी नाचा करते थे। एक दिन किसी मोर का पंख जमीन पर गिर गया, जिसे तुरंत उठाकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने मस्तक पर
धारण कर लिया। भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर सजा मोरपंख राधा रानी के प्रेम की निशानी मानी जाती है, इसलिए भगवान लड्डू गोपाल के जन्म उत्सव की पूजा में मोरपंख से उनकी हवा किए जाने की चलन है, इसलिए जन्माष्टमी पर मोरपंख अवश्य घर में लाएं। चलिए दोस्तों, एक अन्य कथा के अनुसार देवी राधा हर दिन घर के मंदिर के पास मोरों को दाना देने जाती थी। एक बार जब देवी राधा वहां पहुंची तो वहां पर एक भी मोर नहीं था। राधा रानी उदास हो गईं। कान्हा जी ने देवी राधा को प्रसन्न करने के लिए स्वयं मोर का रूप धारण कर लिया और वहां पर पहुंच गए। राधा रानी कान्हा के ये रूप देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई। दोस्तों, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जन्माष्टमी के पूजन में मोरपंख अवश्य ही शामिल करना चाहिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार घर में मोरपंख का प्रयोग करने से अमंगल टल जाता है। विशेष रूप से कहा जाता है कि मोरपंख से बुरी आत्माएं पास नहीं आती और मोरपंख को भगवान लड्डू गोपाल ने अपने मुकुट पर स्थान दिया तथा सम्मान दिया। वास्तु के अनुसार मोरपंख घर से अनेक प्रकार के वास्तु दोषों को दूर करता है और मोरपंख सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है। मोरपंख मोर के बाजू से अलग होने के बाद भी ये जीवित रहता है, तभी तो इसका सकारात्मक असर यानी अपना काम तेजी से करता है। दोस्तों, दूसरी चीज है बांसुरी। भगवान राम की पहचान धनुष है तो भगवान लड्डू गोपाल की बंसी। भगवान लड्डू गोपाल की मधुर बांसुरी की धुन सुनकर गोपियां उनकी ओर खींची चली आती हैं। भगवान लड्डू गोपाल की बंसी प्रेम और आनंद का प्रतीक है। बालकृष्ण गोपियों के साथ बंसी बजाकर रास रचते थे और सृष्टि को प्रेम का संचार करते थे। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार की सामग्री में बांसुरी शामिल करने से गृहस्थी में प्रेम और आनंद आता है। भगवान कृष्ण को बांसुरी अर्पित करने के साथ ही आप अपने घर में बांसुरी को अवश्य ही लाएं। दोस्तों, माना जाता है कि जहां कहीं भी वास्तु दोष हो वहां पर बांसुरी लगाने से वास्तु दोष दूर हो जाता है, लेकिन ध्यान देना जरूरी है कि बांसुरी कभी भी सीधी नहीं लगानी चाहिए, इसे हमेशा तिरछा लगाने से लाभ मिलता है। साथ ही बांसुरी का मुख हमेशा नीचे रहना चाहिए। इसके अलावा अगर दाम्पत्य जीवन में तनाव या फिर कलहपूर्ण वातावरण रहता है तो सिरहाने में बांसुरी रखकर सोने से बहुत अधिक लाभ मिलता है। दोस्तों, तीसरी चीज है मोर मुकुट। ज्योतिषी गणना के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण की कुंडली में काल सर्प योग था, इसलिए वो सदैव अपने मुकुट पर मोर का पंख हमेशा धारण करते थे। मोर पंख और शूर में भीषण शत्रुता थी, सर्प में भीषण शत्रुता थी, यानी कि सर्प और मोर में भीषण शत्रुता बैर था, इसीलिए मस्तक पर मोर मुकुट धारण करने से काल सर्प दोष का योग कम होता है। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मोर मुकुट पहनाने से काल सर्प दोष का प्रभाव दूर हो जाता है। दोस्तों, चौथी चीज है माखन मिश्री। नंद के लाल गोपाल को माखन अतप्रिय कहते हैं कि जिस रात लड्डू गोपाल का जन्म हुआ उस रात नंद गांव की गोपियों ने अपने सपनों में देखा कि लड्डू गोपाल माखन लेकर भाग रहे हैं। नंद लाल को माखन इतना प्रिय था कि वो बचपन में गोपियों के मटकी से माखन चुरा करते था, मटकियां फोड़कर खा लिया करते थे, जिसकी वजह से इनका एक नाम माखन चोर भी है। दोस्तों, भगवान के भोग में माखन मिश्री को अवश्य ही शामिल करना चाहिए। प्रेम पूर्वक भगवान लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है, धन सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, धन लक्ष्मी आपके घर में धन की वर्षा करती हैं। भगवान लड्डू गोपाल को माखन मिश्री अर्पित करने से वो शीघ्र ही आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। दोस्तों, पांचवी चीज है झूला या फिर पालना। भक्ति भाव के भूखे बाल गोपाल श्री कृष्ण को जन्माष्टमी पर झूला झुलाने की परंपरा चली आ रही है। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे बच्चे के जन्म के बाद उसे पालने में झुलाने में आनंद की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार भक्तजन अपने प्रभु के बाल स्वरूप को पालने में झुलाकर भक्ति के परम सुख को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, भगवान को झूला या फिर पालना भेंट करने से प्रेम और आनंद की प्राप्ति होती है और एक नारी को भगवान लड्डू गोपाल की तरह एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है, जो कि ऐसा ही लड्डू गोपाल की तरह मनमोहक होता है। दोस्तों, छठे चीज है पीले वस्त्र। जन्म उत्सव के वक्त भगवान को पीले वस्त्र यानी कि बाल स्वरूप को पंचामृत से स्नान कराने के बाद पीले रंग के नए वस्त्र पहनाएं। और अगर आप भी इस बार जन्माष्टमी का पर्व मनाने वाले हैं तो आप पूजा की सामग्री में पीले रंग के वस्त्रों को अवश्य ही शामिल करें। भगवान को पीतांबर वस्त्र अतिप्रिय है, ये प्रेम और बैराग का प्रतीक है। दोस्तों, सातवीं चीज है गौ। भगवान लड्डू गोपाल को
लड्डू गोपाल का जो निवास गोलोक माना जाता है, गाय भगवान की सहचर है। भगवान लड्डू गोपाल के साथ पूजा के बछड़े के साथ ही गाय की पूजा करने सुख समृद्धिदायक माना जाता है। पुराणों में गाय के धन का प्रतीक माना गया है। भगवान धन रूपी गौ की रक्षा करते हैं, यानी कि और साथ ही साथ दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गाय के भीतर गुरु ग्रह का वास होता है। पूजा स्थल अथवा बैठक के कमरे में ईशान कोण में चांदी की गाय और उसका बछड़ा रखने से भाग्य में वृद्धि होती है, इसलिए आप जन्माष्टमी से पहले ही चांदी की गाय और उसका बछड़ा अपने घर पर अवश्य ही लाएं। अगर आप चांदी का नहीं बछड़ा अपने घर पर यानी कि ला सकते तो आप मिट्टी का ही ला सकते हैं, या फिर आप गाय और बछड़े की तस्वीर लाकर भी ईशान कोण में लगा सकते हैं। दोस्तों आठवीं चीज है गीता की पोथी। तो भगवान श्री कृष्ण के महाभारत के युद्ध के दौरान अपने प्रिय सखा और पांडवों में श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गीता मुँह से निकलकर संसार को देखने का मार्ग बताती है और भगवान श्री कृष्ण की वाणी कहती है कि जो मनुष्य को मुक्ति का मार्ग और कर्म पथ पर चलने का ज्ञान देती है। दोस्तों इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा में गीता की जो पोथी होती है जरूर रखनी चाहिए और रात्रि में जागरण करते हुए गीता का पाठ करना हर हाल में आवश्यक रहता है। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर भगवान लड्डू गोपाल की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए आप जन्माष्टमी से पूर्व ही इन चीज़ों को अपने घर पर अवश्य ही लाएं, लेकर आएं और इन्हें भगवान श्री कृष्ण की पूजा में शामिल करें। ऐसा करने से आपको भगवान लड्डू गोपाल की असीम कृपा प्राप्त होगी। सभी देवी देवता दोनों हाथ से आपके जीवन में धन की वर्षा करेंगे। तो दोस्तों अगर आप वाकई में भगवान कृष्ण को प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और दोस्तों साथ ही एक लाइक तो बनता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।